लगाइए। अहो ये बहुत बड़ा गुजराती व्यापारी है, रमन जी ने नंबर दिया है, लगाइए। हेलो, हाँ देखिए भाई साहब, मुझे दरअसल 90 कैरेट के रूबी के बारे में बात करनी थी। हाँ बोलो, ये नंबर मुझे अभी माधवी ने दिया, मतलब उसे किसी और ने दिया ये बोल के कि ये कोई बड़ा गुजराती व्यापारी है, ये रूबी जरूर खरीद लेगा। माना के तुम्हारे पास ज्यादा पैसा है, लेकिन तुम्हारी विशेष जानकारी के लिए बता दूं कि आज की तारीख में मेरे घर पर भी पूरे 25,000 रुपए पड़े हैं। ये कोई शक नहीं, आगरी चेक नहीं, बीबा जट दिया चले सरदारी। वो देख, अरे क्या आजकल के बच्चे, बाल तो ऐसे काटे जैसे टेढ़ा मेढ़ा घास काटा हो किसी। अरे भाई, जिसके पास बाल है वो ऐसा काटते है, जिसके पास नहीं है वो ऐसे ही देख के जलते है। अरे बड़े मास्टर, छोड़ो। अरे ये क्या बाल को छोड़ेगा, बाल ने इसको छोड़ दिया है। ये देख, देखो दिखा दी भाई। अरे दिखा भाई, आग पीड़े के बालों को छोड़िए। अरे बच्चे ही कितने है। कोमल भाभी, सवाल कंपाउंड में खेलने या ना खेलने का नहीं है, सवाल है दोपहर के समय में खेलने का। अरे दोपहर का समय आराम करने का होता है, बड़े बुजुर्ग सो रहे होते हैं। ए बिल्ली मास्टर, ए दोपहर को नहीं सोता। बापू जी वो अपनी बात कर रहा है। अपनी कविता ऐसे दुकान में कभी बैठे बैठे मैंने बनाई है। खूबसूरत हो तुम LCD की तरह, चाल है तुम्हारी TV ट्रॉली की तरह, अदाए हैं मोबाइल के लेटेस्ट पीस की तरह, और आवाज है तुम्हारी डॉल्बी सराउंड साउंड की तरह। वाह वाह वाह। जेठालाल एक मिनट, डायरी करो या धंधा। ये भीड़े, एक तो देता नहीं है चंदा, ऊपर से करता है माहौल गंदा।